Today is 24/4/2020 and we will discuss about the construction and working principle of positive displacement pump. In my previous lecture, as it has already discussed what is the working principle of positive displacement pump, but now I am just giving some instruction about this positive displacement pump. So we have to remember for the positive displacement pump some characteristics. The first characteristic is it generates continuous flow of liquid. Means now according to the classification of pump, we can define that the pump is in two types. First one is reciprocating, second one is rotary. Okay, so for the reciprocating pump, now this is the reciprocating pump. The shaft of the piston is act with the motor shaft by the through the link. So if motor wants to rotate, if motor rotate, motor shaft rotate, that time this link will also rotate, this point will also rotate, and if this point will also rotate, this piston slide from right to to and fro motion. And if it gives to and fro motion, that time what amount of liquid is going to the inlet, going to the cylinder through the inlet, for the motion to and fro motion of the piston, all the liquid is compressed and it will go to the outlet section of the pipe and outlet from the cylinder section. So for the continuous to and fro motion, the positive displacement pump generates continuous flow of liquid. Same case for the rotary. Hence this in my previous lecture it is centrifugal pump, but in case of this rotary pump, if the fluid continuously going to in this direction and for the rotor rotate through the motor shaft, that time it rotates in this direction. Jab rotor is tarike se rotate karne ki koshish karega, wo continuous rotor ka movement ke wajah se fluid compressed hoke outlet se nikal jayega. So it generates continuous flow of liquid. Second point, it has supply the necessary force to the flow of fluid. It supplies the necessary force to the liquid. इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरा ये पिस्टन कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, जब भी मेरा ये रोटर कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से जितना मुझे फ्लूइड के ऊपर फोर्स पड़ना चाहिए, जिसका जितना मुझे फ्लूइड के अंदर से मुझे फोर्स को गेन करना चाहिए, मींस प्रेशर को गेन करना चाहिए, उतना अमाउंट ऑफ फोर्स ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से हम लोगों को मिल जाता है. नेक्स्ट पॉइंट कि ये सब पॉइंट के ऊपर रिस्पेक्ट करके हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक है मेरा फिक्स डिलीवरी, एक है मेरा फिक्स डिलीवरी एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल डिलीवरी. फिक्स डिलीवरी एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल डिलीवरी. व्हाट इज हैपनिंग फिक्स डिलीवरी? फिक्स डिलीवरी पंप में मान लो पिस्टन कंटिन्यूअस मोशन में एक सर्टेन डायरेक्शन का सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, तो सर्टेन डिस्टेंस कवर करने की वजह से हर बार आउटलेट से सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होता है. जब सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिलीवरी पंप. वेरिएबल डिलीवरी मतलब ड्यू टू द कंट्रोल वाल्व व्हाट वी, मान लो ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहां पे कंटिन्यूअस बेसिस में फ्लूइड का पावर को चेंजेस करने का जरूरत पड़ता है, जहां पे कंटिन्यूअस बेसिस में फ्लूइड का जो प्रेशर को उसको चेंजेस करने का जरूरत पड़ता है, तो उस टाइम हम लोग इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में वेरियस टाइप ऑफ एक्सेसरीज लगा के, प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा के, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा के, हम लोग ये वेरिएबल डिलीवरी को हम लोगों को मिल सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये मेरा वेरिएबल डिलीवरी दे रहा है, तो मान लो पहला 5 मिनट मुझे यहाँ से 50 लीटर लिक्विड डिस्चार्ज होने का जरूरत है, राइट right? लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 मिनट में यहाँ से 100 लीटर लिक्विड का जरूरत है, तो ये 50 लीटर कभी 100 लीटर, ये जो दोनों फिक्स डिलीवरी हुआ, फिक्स डिस्चार्ज हुआ, तो ये मैं वेरियस टाइप ऑफ एक्सेसरीज अगर मैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के यूज करता हूँ तो मुझे इस टाइप का डिस्चार्ज मिलता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स डिलीवरी एंड वेरिएबल डिलीवरी पंप. नाउ रेसिप्रोकेटिंग पंप, थर्ड वन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप.
सॉरी, ये हम पहले भी बहुत बता दिए कि रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म का कंस्ट्रक्शन क्या है। रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में एक सिलेंडर रहता है, राइट, दिस वन इज माय सिलेंडर, एक पिस्टन रहता है, एक रैम रहता है, एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहता है, और रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म का जो पिस्टन है वो एक लिंक के माध्यम से मोटर का शाफ्ट के साथ कपल होकर रहता है। सो दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप कंस्ट्रक्शन। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का हम लोग देखें क्या कंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स टेक इट, दिस पोजीशन इज ए, एंड व्हेन द पिस्टन विल गो टू इन दिस पोजीशन, मतलब दिस सेक्शन, दिस पोजीशन इज बी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पिस्टन जब ए पोजीशन से बी, एट फर्स्ट द फ्लूइड इज going into the cylinder through the inlet pipe, and afterwards due to the motor start reciprocating the piston going to to and fro motion, and for that to and fro motion the way the piston moves from A to B position, all the fluids in the cylinder is compressed, and after that the when the of compressed and it will going to it will pass through the outlet channel. After that, when the piston moves from B to A, that time again the vacant position is created. Again, that due to the vacant position is created, again from the inlet pump, the fluid enters the cylinder, and after the same procedure is cycling. Right? इसका मतलब है जब भी हम लोग का reciprocating pump का working principle बोलना पड़ेगा तो वो हम लोग खुद से बोल सकते हैं कि मान लो A inlet से मेरा fluid जब entry करेगा तब piston का position मेरा A है। राइट जब मेरा मोटर ऑन हुआ था बी पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो पिस्टन ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक जाएगा, जब ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक जाएगा सारा फ्लूइड मेरा कितना है वो मेरा कंप्रेस्ड होगा, एंड ड्यू टू दिस कंप्रेशन ऑफ द फ्लूइड द होल फ्लूइड इज गोइंग टू द आउटलेट सेक्शन, एंड आफ्टर दैट व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बी पोजीशन टू द ए पोजीशन, जब बी से लेकर ए में जाएगा तब फिर यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा सिलेंडर के अंदर, वैकिंग क्रिएट होगा जिसके वजह से अगेन इनलेट से मेरा फ्लूइड आएगा, एंड फिर से सेम प्रोसेस मेरा साइक्लिंग होगा। ये मेरे रेसिप्रोकेटिंग पंप का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल था। रोटरी पंप के लिए क्या है, रोटरी पंप के लिए सेम चीज, रोटरी पंप में एक रोटर यूज किया जाता है और सिलेंडर रहता है जो सर्कुलर सेक्शन में रहता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि जो इनलेट से मेरा फ्लूइड कंटिन्यूअस बेसिस में निकलेगा सिलेंडर के अंदर आएगा, वो रोटर का रोटेशन के वजह से होल फ्लूइड सिलेंडर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड है सारा फ्लूइड कंप्रेस्ड होगा और वो आउटलेट पाइप से निकल जाएगा। सो दिस इज माय रोटरी पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सारा फ्लूइड में जब रोटर रोटेट करेगा जितना अमाउंट ऑफ सिलेंडर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड है सारा फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेस्ड होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, एंड दैट कंप्रेस्ड फ्लूइड इज गोइंग टुवर्ड्स द आउटलेट चैनल So these are the construction and working principle of positive displacement pump, and I have also uploaded the same theory and same notes in the Moodle, so you can check, you can study all the points, all the important points in the construction and working principle of positive displacement pump. Now I am discussing about some advantages of rotary pump over reciprocating pump. ये मेरा reciprocating pump है, ये मेरा rotary pump है. ये रोटरी पंप यूज करने से क्या क्या एडवांटेज मिलता है ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये हम लोग अभी देखेंगे। ओके, सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ रोटरी पंप, advantages of rotary pump over reciprocating pump. क्या क्या advantages हो सकता है? First advantage क्या है? First advantage is power to weight ratio is satisfactory. First point is power to weight ratio. Power to weight ratio is satisfactory. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरा फ्लूइड का जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अगर मेरा रोटरी पंप में घुसता है
और जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रेसिप्रोकेटिंग पंप में घुसता है, अगर मान लो इस रेसिप्रोकेटिंग पंप में 1000 लीटर लिक्विड इसके अंदर एंट्री किया और इस रेसिप्रोकेट रोटरी पंप में 1000 लिक्विड एंट्री किया, तो ये मेरा एक वेट, ये मेरा वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का सम अमाउंट ऑफ वेट रहता है, मान के चलते एग्जांपल के तौर पे इसका वेट है 1000 केजी। मैं मान के चलता हूं कि 1000 लीटर लिक्विड का जो वेट है 1000 केजी, यहां पे भी 1000 लिक्विड का जो वेट है वो है 1000 केजी। तो ये दोनों 1000 केजी का वेट ऑफ लिक्विड अगर मेरा इस दोनों पंप के अंदर एंट्री करता है, तो दोनों पंप के रेस्पेक्ट में यहां से जो फ्लूइड का जो पावर मिलता है और यहां से जो फ्लूइड का पावर मिलता है, दोनों के कंडीशन में यहां से ज्यादा पावर मिलता है और यहां से कम पावर मिलता है। मींस रोटर पंप पावर ऑफ रोटरी पंप आरपी रोटरी पंप पावर इज ग्रेटर देन रेसिप्रोकेटिंग पंप पावर आरईपी रोटरी पंप पावर ग्रेटर देन द रेसिप्रोकेटिंग पंप पावर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट इज सिंपलर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड वन इज सिंपलर कंस्ट्रक्शन। सिंपलर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम लोगों का एक पिस्टन रहता है, वो पिस्टन फिक्स एक लिंक के साथ ऐड होता है, फिर वो लिंक जाके शाफ्ट के साथ ऐड होता है, फिर वो शाफ्ट मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है। बट यहाँ पे रोटरी पंप में क्या है कि ये जो मेरा आई पॉइंट है, कल मैं जो दिखा रहा था सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, ये जो मेरा आई पॉइंट है, ये आई पॉइंट से जो शाफ्ट कनेक्ट रहता है, वो शाफ्ट डायरेक्टली मोटर के शाफ्ट के साथ कपल रहता है। तो मेरा मोटर जब घूमता है तब ये रोटर डायरेक्ट घूमता है, बट मोटर का रोटेशन जिस डायरेक्शन में होता है, रोटर का भी रोटेशन उसी डायरेक्शन में होता है। बट यहाँ पे क्या है, मोटर जब घूमता है तो ये वाला घूमता है, बट लिंक के द्वारा ये मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में मोटर से जो मुझे पावर मिलता है तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है, ज्यादा लॉसेस नहीं होता है। बट इस कंडीशन में ड्यू टू द सम लिंकेज कनेक्शन जितना मुझे पावर मिलना चाहिए था वो पावर थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से ये कंस्ट्रक्शन जो है रोटरी पंप का कंस्ट्रक्शन इज सिंपलर, बहुत सिंपल होता है, बट रेसिप्रोकेटिंग पंप का कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्सिव रहता है। नेक्स्ट डायरेक्ट कपलिंग टू मोटर, मैं थोड़ी देर पहले ये चीज बोला, अभी डायरेक्ट कपलिंग टू मोटर, डायरेक्ट कपलिंग टू मोटर मतलब क्या है कि रोटरी पंप का जो रोटर रहता है उसके साथ मोटर का जो शाफ्ट होता है उसका डायरेक्ट कपलिंग रहता है, बस एक कपलिंग के द्वारा वो दोनों अटैच रहता है। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप के टाइम पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम लोगों को पंप का जो मोशन, पिस्टन का जो मोशन को, उसको मुझे टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके वजह से इस मोशन को मुझे टू एंड फ्रो में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिंक के द्वारा, यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन लेता हूँ, ये सर्कुलर मोशन लिंक के द्वारा टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट होता है। तो जिसकी वजह से रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो शाफ्ट रहता है वो डायरेक्ट कपलिंग नहीं रहता है मोटर के साथ, रोटरी पंप में जो शाफ्ट रहता है, रोटर जो रहता है उसके साथ मोटर का डायरेक्ट कपलिंग रहता है। फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूअस पल्सेशन फॉर फ्री सप्लाई ऑफ ऑयल। कंटिन्यूअस पल्सेशन फॉर फ्री सप्लाई ऑफ ऑयल मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी ऑयल मेरा इसके अंदर, जो भी फ्लूइड, मैं ऑयल नहीं बोल रहा, जो भी फ्लूइड मेरा इसके अंदर एंट्री करता है और इसके अंदर एंट्री करता है, तो ये दोनों कंडीशन में जो पल्सेशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक पल्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टू एंड फोर, ए टू बी एंड बी टू ए, तो होल फुल पल्सेशन कंप्लीट। रोटरी पंप में मान लो इस पोजीशन से रोटरी पंप स्टार्ट हुआ, ये वाला ब्लेड फिर जब सेकेंड यही पोजीशन में आएगा घूम के, तो उस टाइम उसका एक पल्स कंप्लीट हुआ। तो ये जो पल्सेशन कंटिन्यूअस होता है, ये पल्सेशन एज इट इज ये डायरेक्टली कपलिंग रहता है, इसलिए इसका पल्सेशन
कंटिन्यूअस होता है, बट ये रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में इसका कपलिंग डायरेक्टली नहीं रहता है मोटर के साथ, दैट्स व्हाई इसका जो पल्सेशन होता है, इसका जो पल्स होता है, इसका जो रोटेशन, इसका जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये कंटिन्यूअस होता नहीं होता है, जिसके वजह से यहाँ का जो डिस्चार्ज, यहाँ का जो डिस्चार्ज होता है, यहाँ का जो डिस्चार्ज होता है, दोनों डिस्चार्ज में थोड़ा फर्क होता है, और जिसके वजह से रोटरी पंप इज मच मोर कंफर्टेबल देन द रेसिप्रोकेटिंग पंप। So now we will discuss the gear pump, right? So gear pump में बहुत सारा चीज है, तो हम लोग हर दिन क्लास में थोड़ा करके इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि दो गियर पंप का स्ट्रक्चर, ये बेसिकली गियर पंप का कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे गियर पंप का वर्किंग प्रिंसिपल दिखाया गया है। गियर पंप का कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए कि दोनों गियर को अप्लाई यूज किए हैं, दोनों गियर में एक गियर है ड्राइविंग, एक गियर है ड्राइवर, एक गियर ड्राइविंग होता है और एक गियर है जो ड्राइवर, जो ड्राइव करता है। और ये जो ड्राइवर मतलब क्या है, गाड़ी में अगर मान लो एक फोर व्हीलर में एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, सो दिस वन इज जो चलाता है, और ड्राइविंग मतलब जो उस गाड़ी में बैठा हुआ है जो चलता है, तो ये चल रहा है, ये चलाता है और ये चलता है, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर का, जो ड्राइवर गियर का जो मेन शाफ्ट जो यहाँ पे ब्लैक पॉइंट से क्लिप बनाया गया है, ड्राइवर गियर का जो मेन शाफ्ट है, वो मेन शाफ्ट मेरा मोटर का शाफ्ट के साथ डायरेक्टली कपल होकर रहता है। तो मान लो इसके पीछे अगर मान लो मोटर अगर घूमेगा, तो फिर ये गियर का मोशन घूमना, देखो ये गियर इस तरीके से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो किया गया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ड्राइविंग मोटर ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होगा यहाँ पे। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गियर पंप। नाउ व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? वर्किंग प्रिंसिपल इज जब मेरा गियर रोटेट करना शुरू हुआ, दिस गियर, ये मेरा ड्राइवर गियर है, जब मेरा ड्राइवर गियर रोटेट करना शुरू हुआ, तो मेरा जो ड्राइविंग गियर है, ये गियर भी मेरा रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये गियर, दोनों गियर रोटेट करना शुरू करेगा, तब ऑब्वियसली यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा, ये जो एरिया है, ये एरिया में एक सक्शन क्रिएट होगा। जब भी यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, तब यहाँ पे सक्शन पाइप से फ्लूइड अंदर जाएगा, फ्लूइड यहाँ पे आएगा, उसके बाद जब ये गियर कंटिन्यूअस मोशन में रोटेशन देगा, तो ये गियर कंटिन्यूअस मोशन में रोटेशन देगा, जब ये गियर कंटिन्यूअस मोशन में रोटेशन देगा, तो यहाँ का फ्लूइड को, गियर का जो टीथ है, यहाँ का फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो में ये डिलीवरी पंप से निकल जाएगा। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गियर पंप। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा है ड्राइवर गियर, ये मेरा है ड्राइविंग गियर। ड्राइवर गियर का जो मेरा शाफ्ट है, वो मेरा कनेक्टेड है मोटर के साथ, और यहाँ पे जब ड्राइव शाफ्ट, मोटर का शाफ्ट घूमेगा, तब ड्राइवर गियर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तब ड्राइविंग गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो यहाँ पे अगर वर्किंग प्रिंसिपल में आते हैं, तो ड्राइवर गियर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ड्राइविंग गियर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से सक्शन पाइप से लिक्विड आता है और यहाँ पे स्टोरेज होता है, और ड्राइविंग गियर का कंटिन्यूअस मोशन के वजह से वो यहाँ से प्रेशर जनरेट करके डिलीवरी पाइप से निकल जाता है। सो दिस इज माई गियर पंप वर्किंग प्रिंसिपल, राइट। अब मैं थोड़ा इसको इलाबोरेट करूंगा। फर्स्ट वन इज two gears are used in gear pump, okay? Which type of two gears are used? Spur gear and helical gears are used. Spur gear and helical gears are used in gear pump. Second one is what? Helical gears run diagonally across the width of the gear. Helical gear run diagonally. Run diagonally मतलब helical gear मतलब क्या है? उसके अंदर एक helix angle होता है। वो helix angle के वजह से helical gear diagonally घूमता है। जब वो diagonally घूमता है, तब उस gear का width को लेके घूमता है। Width an angle which is determined by the design. मतलब helical gear जो है, वो एक angle के साथ घूमेगा। जब वो देखो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ है, तो हेलिकल गियर जब घूमता है, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग पे नहीं दिखा पाया हूँ, बट हेलिकल गियर जब घूमता है,
ड्यू टू द एंगल, उस एंगल की वजह से हेलिकल गियर का पहला अगर जब यहाँ पे उसका पोजिशन है, इस तीत का पोजिशन अगर यहाँ पे, तो जब वो घूम के ये वाला तीत जब घूम के इधर आएगा तो इसके अंदर प्रेशर जनरेट ज्यादा होगा, फिर जब इधर आएगा इसके अंदर प्रेशर जनरेट ज्यादा होगा, फिर जब इस पोजिशन में आएगा उसके अंदर प्रेशर जनरेट सबसे ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ड्यू टू द एंगल व्हिच इज मेड व्हिच इज स्पेसिफाइड इन द डिजाइन द हेलिकल गियर्स घूमता है किसके ऊपर बेस करके, वीट ऑफ द पंप, वीट ऑफ द पंप के ऊपर बेस करके हेलिकल गियर घूमता है और जितना फ्लूइड मतलब पंप सिलेंडर के अंदर आता है उतना फ्लूइड को प्रेशराइज करके वो डिलीवरी पंप से बाहर करता है। सो द लार्जर द पिच एंगल, सेकंड कंडीशन क्या है, द लार्जर द पिच एंगल the larger the pitch angle, the smoother is the pump operation. The larger the pitch angle, the smoother is the pump operation. मतलब ये हेलिक्स का हेलिकल गियर का जो हेलिक्स एंगल है, जो पिच एंगल है, वो जितना बड़ा होगा पंप का जो ऑपरेशन उतना ही स्मूथ होगा। अगर इस गियर में हम लोग पीच एंगल अगर सबसे कम रखता हूं तो पीच एंगल कम रखने की वजह से क्या होता है, पीच एंगल कम रखने की वजह से ये जो फ्लूइड आता है वो फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड कंप्रेस तो होता है लेकिन वो ऑपरेशन स्मूथ नहीं होता है, इसीलिए पीच एंगल को हम लोग को हमेशा ज्यादा करना पड़ता है जिसकी वजह से मेरा ये एंगल क्या होता है, आई मीन जो ऑपरेशन क्या होता है, जो कंप्रेस्ड ऑपरेशन, जो डिस्चार्ज ऑपरेशन, वो मेरा स्मूथ बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज when the gears are in mesh, मतलब आर इन कॉन्टेक्ट, ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट का बात बोल रहा है, when the gears are in mesh, the helical is such that one end of a gear root is on the suction side while the other is still on the delivery side. मतलब the gear, when the gear are in the mesh, ये वाला point ध्यान देना, जब मेरा gear, दोनों gear mesh में रहता है तो इस helical gear का एक point मेरा suction pipe के साथ रहता है और एक point मेरा delivery pipe के side में रहता है। ध्यान देना, ये जो मेरा हेलिकल गियर है, जब दोनों गियर मेस पॉइंट पे रहता है, दोनों गियर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे रहता है, तो हेलिकल गियर का एक पॉइंट सक्शन पाइप के पास रहता है और एक पॉइंट डिलीवरी पाइप के पास रहता है। इसका मतलब है सक्शन और डिलीवरी बंद है, अभी इस कंडीशन में सक्शन और डिलीवरी बंद है। जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो इस दोनों तीर जो सक्शन और डिलीवरी पाइप को ब्लॉक करके रखा हुआ है वो साइड वो मूवमेंट करेगा। जब भी वो मूवमेंट करेगा तब भी सम अमाउंट ऑफ लिक्विड अंदर घुसेगा, जब भी ये मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तभी यहाँ से लिक्विड अंदर घुसेगा, फिर ये जब फिर से रोटेट करेगा फिर ये सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड कंप्रेस होगा, फिर रोटेट किया सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड घुसा, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रोटेट किया सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड घुसा, फिर कंप्रेस हुआ। इस तरीके से कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस के माध्यम से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड इस पंप के अंदर एंट्री करता है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड पंप से मेरा डिस्चार्ज होता है थ्रू द कंप्रेशन बाय द गियर। नेक्स्ट पॉइंट इज undesirable leakage path along the root result, undesirable leakage path, undesirable leakage path is occurs, undesirable leakage path मतलब क्योंकि दोनों गियर जब घूम रहा है तब कंटिन्यूअस बेसिस में सक्शन पाइप से सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां पे आ रहा है, बट ये दोनों गियर का घूमने की वजह से अगर दोनों गियर का जो मिसिंग पॉइंट है, दोनों गियर का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, इस तरीके से है ना, ये मेरा मान लो दोनों गियर का तीत है और ये और एक गियर का तीत है, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये कनेक्टिंग पॉइंट के बीच अगर गैप ज्यादा, देखो अभी दोनों उंगली के बीच गैप ज्यादा है तो इसके वजह से कुछ सम अमाउंट ऑफ लिक्विड लीकेज हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों गियर इस कंडीशन में रहे
ये दोनों गियर इस कंडीशन में रहे तो यहाँ पे लीकेज बहुत कम होता है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है जो हेलिकल गियर है उसका पिच एंगल हमेशा ज्यादा होना चाहिए ताकि वो गियर पंप में जो लीकेज नहीं होना चाहिए था वो लीकेज नहीं होगा। क्योंकि अगर हेलिकल गियर का अगर हम लोग एंगल को ज्यादा करके रखेंगे तो जो लीकेज मतलब अगर ज्यादा रखेंगे तो वो लीकेज नहीं होगा, अगर हम लोग उसको कम रखेंगे तो हम लोगों का लीकेज बहुत ज्यादा होगा। बट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस गियर्स आर क्विकर, दिस हेलिकल गियर्स आर क्विकर, हेलिकल गियर्स आर क्विकर, हेलिकल गियर्स आर क्विकर बट एक्सपेंसिव, हेलिकल गियर्स आर क्विकर बट एक्सपेंसिव। मतलब हेलिकल गियर्स जब ये जो गियर पंप में जो जितना अमाउंट ऑफ ऑयल या जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड सक्शन होता है उतना अमाउंट ऑफ ऑयल है उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिलीवरी भी होता है, तो ये जो प्रोसीड्योर है ये प्रोसीड्योर बहुत क्विकर होता है अगर हम लोग वहां पे हेलिकल गियर यूज करते तो। और हेलिकल गियर अगर यूज करते तो ये प्रोसेस जैसे क्विकर होता है, बट और दूसरा साइड में एक डिसएडवांटेज भी है कि ये हेलिकल गियर बहुत एक्सपेंसिव है। ओके सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लीकेज बिटवीन द वेयर प्लेट्स एंड द गियर एंड फेसेस मस्ट बी रिड्यूस्ड टू ए मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, लीकेज बिटवीन leakage between wear plates, leakage between wear plates and the gear end face, and the gear end face, leakage between wear plates and the gear end face, gear end face must be reduced to a minimum, must be reduced to a minimum, right? Must be reduced to a minimum. इसका मतलब क्या है? ये जो wear plate है, wear plate मतलब यहाँ पे gear का side में जो मेरा plate लगा हुआ रहता है, ये जो gear का side में जो मेरा plate लगा हुआ रहता है, this plate is called wear plate. ये wear plate के साथ जो गियर का टीथ के बीच का जो डिफरेंस है, ये वेयर प्लेट के साथ जो गियर का टीथ का बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को अगर हम लोग ज्यादा कम करेंगे तो मेरा लीकेज भी मेरा कम होगा। तो ये गियर पंप में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लीकेज बिटवीन द वेयर प्लेट्स एंड द गियर गियर एंड फेस मस्ट बी रिड्यूस्ड टू ए मिनिमम। गियर एंड फेस मतलब दिस इज माय गियर एंड फेस, जो टीथ का जो एंड फेस है, दिस इज माय गियर एंड फेस, इस गियर एंड फेस के साथ वेयर प्लेट का बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जितना हम लोग कम करेंगे उतना हम लोगों का जो लीकेज होगा वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्चार्ज प्रेशर इज अप्लाइड टू द आउटसाइड ऑफ द प्लेट। Discharge pressure is applied to the outside of the plate. Discharge pressure is applied to the outside pressure of the plate. इसका मतलब है कि ये जो wear plate है, ये wear plate के बाहर discharge pressure होना चाहिए। देखो यहाँ पे वेयर प्लेट कहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज माय वेयर प्लेट, दिस इज माय वेयर प्लेट, यहाँ पे दिस इज माय वेयर प्लेट, तो डिस्चार्ज प्रेशर कहाँ पे होता है, डिस्चार्ज प्रेशर इज अप्लाइड आउटसाइड ऑफ द वेयर प्लेट, ये वेयर प्लेट के बाहर ये डिस्चार्ज प्रेशर हमेशा मेंटेन होता है। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी tight the seal, if we tight the seal leakage will be decreased, leakage will be
decrease. If we type the same, leakage will be decreased. इसका मतलब है कि अगर मान लो दोनों प्लेट के बीच, अगर हम लोग दोनों प्लेट के भी दोनों प्लेट, ये प्लेट और ग्रियर का इनफेस के बाहर का तरफ जो इनफेस है, आउटसाइड इनफेस के साथ वेयर प्लेट के बीच का अगर मैं डिफरेंस को अगर मैं घटा देता हूं, तो फिर मेरा लीकेज कम होता है. दूसरा क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर को मेरा ये वाला जो वेयर प्लेट उसके बाहर रखना रखना चाहिए हमेशा. और थर्ड वन जो सील है, ये जो दोनों गियर के तीतों के बीच का जो डिफरेंस है, देखो ये मेरा दो, ये मेरा गियर का तीत है राइट, और यहाँ पे मेरा ये दूसरा गियर का एक तीत है. तो इस तरीके से अगर डिफरेंस को अगर मैं कमाऊं घटाऊंगा तो मेरा डिफरेंस अगर मैं घटाऊंगा तो मेरा लीकेज मेरा कम होगा. लेकिन इस कंडीशन में गियर एक दूसरे के साथ, गियर एक दूसरे के साथ घूमने के टाइम पे, गियर एक दूसरे के साथ घूमने के टाइम पे इस तरीके से जब घूमेगा, तब इस प्लेट, इस टीथ के साथ दूसरा टीथ का जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जो फ्रिक्शन की वजह से गियर टीथ में कोरोजन हो सकता है, गियर टीथ टूट सकता है. तो इसीलिए हम लोगों को सीलिंग को हमेशा टाइटर करना जरूरत है, सील को हमेशा टाइट रखना पड़ता है, ताकि मेरा जो ऑयल का जो लीकेज होता है वो लीकेज मेरा घट जाए. और दूसरा है ये जो दोनों का, दोनों प्लेट के बीच, दोनों टीथ के बीच जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस डिजाइन के बेसिस में ही कम रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि दोनों टीथ को एक साथ ज्वाइन करके रख देना चाहिए, इस तरीके से ज्वाइन करके रख देना चाहिए. अगर इस तरीके से ज्वाइन करके रखेंगे तो फिर जब गियर का टीथ घूमेगा तब दोनों गियर के बीच फ्रिक्शन के वजह से गियर टूट सकता है. तो ये सब पॉइंट से गियर पंप का, क्लासिक गियर पंप को समझने के लिए, और अगर हम लोग ये वाला पॉइंट अगर समझने के बाद हम लोग इसके बाद पंपिंग एक्शन में जाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पंपिंग करके गियर पंप से थ्रू से, सक्शन पाइप के थ्रू से डिलीवरी पंप में जाता है. तो ये मेरा गियर पंप का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. दिस इज नॉट द वर्किंग प्रिंसिपल, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम्पल के तौर पर अनडिजायरेबल लीकेज पथ इज ऑकर्स, helical gear are quicker but expensive, leakage between wear plate and the gear and the face must be reduced to a minimum. So agar mujhe gear pump ko bare mein bolna par, agar mujhe puchta hai to mujhe first gear pump ke liye mujhe ye cheez ko define karna bahut zaruri hai, ये ड्राइंग को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. ये ड्राइंग डिफाइन करने के बाद जितना सारा गियर पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग गियर पंप का पंपिंग एक्शन एंड ट्रैप्ड ऑयल के बारे में बात करेंगे राइट. तो सो थैंक यू, टुडे आई एम नाउ कंक्लूडिंग माय क्लास. थैंक यू. सो टुडे वन नोट्स ऑन दिस गियर पंप कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन गिवन टू द मॉडल. So go to the Moodle and study the Moodle notes on this pump. If you have any problem, you can ask in my Zoom class. Okay, so thank you for attending my class, and have a nice day and stay home and safe life. Thank you.